और इस वक्त गृह मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहीं चलते हैं। इस संदर्भ में मैं आप सबके सबको बताना चाहती हूं कि अगर आप पिछले सेंसस के फिगर्स देखें तो हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार हेतु माइग्रेट करते हैं, तो ये फिगर मैं बस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। लॉकडाउन के ऑर्डर के पश्चात उभरती हुई परिस्थितियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को सारे स्टेट्स और यूटीज को एक एडवाइजरी निकाली जिसमें उनको ये परामर्श दिया कि वे शीघ्रता से और संवेदनशीलता से तुरंत कदम उठाएं जिससे कि जो प्रवासी मजदूरों की आवाजाही होने का अंदेशा है वो ना हो, और प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर्स, आश्रय का, भोजन का, खान पान का और सभी आवश्यक वस्तुओं का इंतजाम करें। 28 मार्च को एक स्पेसिफिक ऑर्डर द्वारा राज्यों को परमिट किया गया कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड है उसके अंतर्गत वे रिलीफ शेल्टर और फूड इत्यादि का प्रबंध कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी साझा किया है, 3 अप्रैल को 11,092 करोड़ से अधिक राशि स्टेट्स और यूटीज को रिलीज की गई। इसके साथ साथ एमएचए ने अपना एक 24/7 कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ लेवल ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे और उनके साथ बाकी सभी मंत्रालयों के भी अधिकारीगण थे। स्टेट्स और यूटीज को भी एडवाइस किया गया कि वे अपने कंट्रोल रूम्स लगाएं और अपनी हेल्पलाइंस ऑपरेशनल करें और अपने नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट करें। 28 मार्च को और 30 मार्च को और एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत 29 मार्च को भी ये ऑर्डर निकाला गया कि सारे स्टेट्स शेल्टर, फूड पैकेट्स, फूड ग्रेन्स, एसेंशियल आइटम्स और हेल्थ केयर का प्रबंध करेंगे हमारे प्रवासी श्रमिकों के लिए। उनको ये भी परामर्श दी गई कि जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं और रिलीफ कैंप्स के लोकेशंस हैं उसके बारे में जानकारी प्रवासी श्रमिकों के बीच फैलाएं। उनको ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पैकेज है और जो जो रिलीफ मेजर्स वे और केंद्रीय सरकार ले रहे हैं उसके बारे में सबके बीच जागरूकता पैदा करें। जहां जरूरत है वहां परमानेंट कैंप्स के साथ साथ टेंटेड अकोमोडेशन भी लगाएं जैसे कि हाईवेज पर। उनको ये भी कहा गया कि एक्शन ले जैसे कि ट्रक्स या बाकी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से अगर इलीगली गैर कानूनी ढंग से माइग्रेंट वर्कर्स को ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले। एक बहुत जरूरी चीज 29 मार्च के ऑर्डर में ये थी कि जो जिलाधिकारी हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि वे इन सब आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 12 और 14 अप्रैल को स्थिति देखते हुए स्टेट्स और यूटीज को ये भी एडवाइस दी गई कि कहीं अगर कहीं अफवाहें फैल रही है तो उसको वो रोकें। कुछ कुछ अफवाहें मद्देनजर आई थी जैसे कि खाने की कमी है या आवश्यक वस्तुओं की कमी है, ये सब की जो अफवाहें उसको रोकें और वो विशेष ध्यान दें कि जो हमारे रिलीफ शेल्टर्स है उसमें जितना भोजन की जरूरत हो वो उपलब्ध हो, सैनिटेशन वगैरह का वहाँ पे ध्यान रखा जाए। और इस पूरी मुहिम में उनको परामर्श दिया गया कि वो कम्युनिटी लीडर्स का भी सहयोग लें, वॉलंटियर्स का भी सहयोग लें और ट्रेंड काउंसलर्स का भी सहयोग लें। स्टेट्स और यूटीज ने मिलकर काफी रिलीफ कैंप्स सेटअप किए, बहुत लोगों को के खानों की खाने की व्यवस्था की, बहुत लोगों के आश्रय की भी व्यवस्था की। उसके बाद लॉकडाउन के दूसरे चरण में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई और इसके साथ साथ जिससे कि श्रमिकों को रोजगार मिले 19 अप्रैल को ऑर्डर निकाला गया जिसके अंतर्गत माइग्रेंट्स का राज्य के भीतर कार्यस्थलों के लिए आवाजाही को अनुमोदित किया गया, उसकी अनुमति दी गई। 29 अप्रैल को ये देखते हुए कि प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों में भी जाना है, एक ऑर्डर द्वारा ये अनुमति दी गई कि वे अंतरराज्य आवाजाही कर सकते हैं। 1 मई को इंटर स्टेट मूवमेंट प्रवासी मजदूरों का, प्रवासी श्रमिकों का ट्रेन द्वारा भी परमिशन दी गई और इसके लिए गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय और सभी स्टेट्स एंड यूटीज ने आपस में समन्वय स्थापित किया और हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चल पड़ी।
19 मई को एक और एसओपी निकाला गृह मंत्रालय ने, जिससे कि ये प्रक्रिया और भी सुगम हो जाए और भी स्पीड अप हो जाए। और आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रेलगाड़ियों की संख्या पर डे 200 से अधिक हो गई है, और इसके बारे में अन्य डिटेल्स चेयरमैन रेलवे बोर्ड अपनी टीम के साथ यहाँ है, वे शेयर करेंगे। हम एसओपीज तो निकाल ही रहते, पर साथ ही साथ स्थिति को देखते हुए स्टेट्स एंड यूटीज को एडवाइजरीज भी जारी कर रहे थे। हमने उनको परामर्श दिया कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स वॉकिंग पाए जा रहे हैं तो उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको नियरेस्ट शेल्टर होम तक ले जाया जाए, उनके लिए भोजन आश्रय का प्रबंध किया जाए, और जहां से वे बसेस बोर्ड कर सकते हैं या श्रमिक स्पेशल ट्रेन ले सकते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हमने स्टेट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो प्रोएक्टिवली कोऑर्डिनेट करें और बसें और ट्रेन्स चलाएं, और इस पूरे प्रोसेस में एरिया हमारे एमएसए के एरिया ऑफिसर्स और रेलवे मंत्रालय के भी ऑफिसर्स सब जुटे हुए थे। हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिला प्रशासन है और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग लेने को बोला, जिससे कि जो हमारे परेशान श्रमिक हैं उनको गाइड कर सके और जो भी उनके मन में भ्रांति है उसको दूर कर सके। हमने अपने आदेश में ये भी कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी ज़रूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और आज सबके सहयोग से 2600 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं, 35 लाख से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक इन ट्रेनों का उपयोग कर चुके हैं। रेलवेज का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 1 जून से 200 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाने का बंदोबस्त किया है, और अभी तक 14 लाख से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी है। इंटरस्टेट बस मूवमेंट द्वारा भी 40 लाख माइग्रेंट वर्कर्स से ज़्यादा यात्रा कर चुके हैं, और आज एमएचए, रेलवे, स्टेट्स और यूटीज मिल करके इस पूरे प्रोसेस को और भी सुगम बनाने के लिए और भी फैसिलिटेट करने के लिए जुटा हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन रेलवे बोर्ड से कि रेलवे की तरफ से क्या क्या और सुविधाएं और क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी दें। नमस्कार, मैं आपको जो इंडियन रेलवेज ने इनिशिएटिव्स लिए हैं ड्यूरिंग कोविड-19 उसके बारे में एक प्रस्तुति करूँगा। सबसे पहले जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में, जैसे पुनिया ने बताया कि 1 मई को भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ही ये निर्णय लिया कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम रेलों के द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं, और इसके लिए राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करके रेलवे ने अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, राज्य सरकारों ने अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए, और एक जो एलाबोरेट सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है, हाइजीन का प्रोटोकॉल है और स्क्रीनिंग का प्रोटोकॉल है, जिससे कि वो केवल एसिम्प्टोमेटिक लोग ही ट्रेवल करें और जो भी ट्रेवल करें वो फेस मास्क लगा के ट्रेवल करें, ये सब सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हमने 1 मई 2020, जो कि श्रमिक दिवस भी होता है, उस दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की थी। और भारतीय रेल ने ये भी इंतजाम किया कि भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो ट्रेन चलाने का हमने इंतजाम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सारे जो जिला अधिकारी थे उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट आती है, वो अगर वो रेलवे को बताएं तो रेलवे जहाँ भी हमारा रेलवे स्टेशन है वहाँ से ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। तो एक तरह से एक राज्य सरकारों के साथ मिलके एक सहमति के साथ एक सिस्टम बनाया गया, और इस सिस्टम के तहत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल है वो पूरी तरह से मेंटेन किया गया हर स्टेशन पर। ये आंकड़ा जो है, हमने जो 1 मई को ट्रेन चलाया था उस दिन केवल 4 ट्रेनें चली थी, 4000 यात्री चले थे, और 20 मई को हमने सबसे ज़्यादा ट्रेन चलाया 279, और करीब 4 लाख पैसेंजर 20 मई को ट्रेवल किए, और अगर पिछले 4 दिन का अगर आप एवरेज आंकड़ा देखें तो करीब 260 यात्री ट्रेनें चलाई गई हैं एवरेज पिछले 4 दिनों में, और करीब 3.5 लाख एवरेज यात्रियों ने 4 दिनों में ट्रेवल किया है, और आज तक करीब 26 लाख से ज़्यादा यात्री ट्रेवल कर चुके हैं। और ये जो 26 लाख यात्री ट्रेवल किए हैं ये सूचीबद्ध तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं,
इसके अलावा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं उनसे ये अनुरोध किया था कि अगर राज्य सरकार के अंदर सीमा में उनके किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अगर किसी श्रमिक को ट्रेवल करना है और वो हमें अगर रिक्वायरमेंट अपनी देंगे तो हम कम से कम समय में ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। सो राज्यों के अंदर भी हमने ट्रेनें चलाई और उसमें करीब 10 लाख यात्रियों ने और ट्रेवल किया। तो इस तरह से ये जो आंकड़ा हमारा है 35 लाख और 10 लाख करीब 45 लाख का आंकड़ा बनता है जो अभी तक ट्रेवल कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इस ग्राफ में कि आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन के डेस्टिनेशंस हैं, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो इसमें यूपी और बिहार, यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर हैं वो करीब 80% यात्रा उन्होंने इस दो स्टेट से किया है और बाकी जो दूसरे स्टेट हैं वो भी इसमें दिख रहा है, मध्य प्रदेश, झारखंड और कुछ और भी स्टेट हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें दिख रहा है आपको यूपी और बिहार में गए हैं और 80% ट्रेन जो है यूपी और बिहार में गई हैं और इस वजह से कुछ जो यूपी बिहार के नेटवर्क हैं उसमें कुछ कंजेशन भी आ रहा था, लेकिन हमने एक तरह से पूरा 24 घंटे इसको मॉनिटर करके और कुछ टर्मिनल्स पे, चूँकि ये एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है स्क्रीनिंग का, हेल्थ प्रोटोकॉल का, उस टर्मिनल में यात्रियों को उतारने में भी थोड़ी सी समय लग रहा था, उन सबको दुरुस्त करते हुए जो एक थोड़ा सा कंजेशन आया था उसको भी ठीक करके ये सुचारू रूप से ये श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ चल रही हैं। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके और जो उनके पास इस समय एक रिक्वायरमेंट है उसको भारतीय रेल और राज्य सरकारें एक साथ मिलके एक नेक्स्ट 10 दिनों के लिए, अगले 10 दिनों के लिए एक शेड्यूल बनाया है। आप देख सकते हैं इस कॉलम में हमने डेस्टिनेशन स्टेट का एक लिस्ट दिया है, एक ओरिजिनेटिंग स्टेट का लिस्ट दिया है। तो ओरिजिनेटिंग डेस्टिनेशन का एक मैट्रिक्स बना के अगले 10 दिनों में जो हमने ट्रेनें शेड्यूल करी हैं वो करीब 2600 ट्रेनें शेड्यूल करी हैं और उसमें जो हमने ये अनुमान लगाया है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख पैसेंजर्स को हम ट्रेवल करा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमने सारे राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अगर उनकी राज्य की सीमा में कहीं से भी अगर उनको ट्रेन अरेंज करनी है वो हम तुरंत अरेंज कराएंगे। हम अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हमने ट्रेन प्लेस करके रखी हुई है, एक तरह से रेक तैयार करके रखी है और जैसे ही हमको कोई रिक्वायरमेंट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी से हम विद इन स्टेट भी ट्रेन चलाने को तैयारी करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट 10 दिन का जो मेरा एक प्रोजेक्टेड आंकड़ा है उसमें 36 लाख ये जो सूचीबद्ध तरीके से इंटर स्टेट ट्रेवल और करीब 10 से 12 लाख जो विद इन स्टेट हम ट्रेवल का आंकड़ा रख के चल रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेलवे ने व्यवस्था की हुई है इसके तहत जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो जहाँ भी हैं उनको वहाँ से गंतव्य स्थान पहुँचाने के लिए रेलवे ने पूरी व्यवस्था की है और ये व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं। तो इस तरह से जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर जो समन्वय बना के भारतीय रेल ने व्यवस्था कर रखी है अगले 10 दिनों में काफ़ी ये जो 36 लाख और 46 लाख श्रमिक भाइयों को हम उनके गंतव्य स्थान पे पहुंचा पाएंगे। हमने 12 मई को कुछ स्पेशल पैसेंजर्स ट्रेन चलाई थी, 30 ट्रेन चलाई थी, उसमें जो अभी बुकिंग आ रही है करीब 97% की बुकिंग आ रही है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल हैं और जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल हैं, जो नीचे वाला ये पिक्चर है उसमें हमने एक ऑटोमेटिक स्क्रीनिंग का अरेंजमेंट लगाया है जिससे कि थर्मल कैमरे से वो पता चल जाता है अगर किसी भी यात्री का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने आप फोटो के साथ इंगित कर देता है। तो इस तरह से सारे स्टेशनों पे हमने ये अरेंजमेंट कर रखे हैं और जिस तरह से एक नॉर्मलिटी की तरह बात चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है और उसकी तरफ हमने 1 जून से 200 और ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है और जिसके लिए कि हमने बुकिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है। शुरू में हमने बुकिंग शुरू करी थी केवल ऑनलाइन,
फिर धीरे धीरे जैसे कि जरूरत महसूस हुई, ऐसा हम लोगों को पता चला कि जो दूसरे श्रमिक भाई हैं या और लोग हैं कुछ ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, सो हमने सारे विंडोज खोलने का निर्णय लिया है। जितने भी बुकिंग काउंटर के विंडो हैं उनको खोला गया है, 1000 विंडो ऑलरेडी खुल चुके हैं और सारे जोनल रेलवे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से और ज़्यादा विंडो खोलें। उसके बाद से हमने जो रेलवे एजेंट हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, उन सबको ये अनुमति दे दी है कि वो करें। और हमने ये भी अनुमति दे दी है कि जो हमारे रेलवे के 6000 से ज़्यादा स्टेशन हैं वहाँ पे सब जगह जो रेलवे के स्टॉल्स हैं उसको भी खोल दिया जाए ताकि जो यात्री जर्नी करेंगे उनको दिक्कत होगी। ये एक एडवाइजरी ट्रेन पैसेंजर्स के लिए हमने दी है। इसको जगह जगह कोचेज पे डिस्प्ले किया, स्टेशन पे डिस्प्ले किया, हम उनको ये लीफलेट भी दे रहे हैं ताकि ये लोग अपना इस एडवाइजरी को फॉलो कर पाएँ। एक हमने ये कोविड केयर सेंटर के लिए कुछ कोचेज कन्वर्ट किए थे, 5000 कोचेज हमने तैयार किए हैं जिसमें करीब 80000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये जो कोविड केयर सेंटर के कोचेज हैं इनको हमें जहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे यूज करना है। अभी चूंकि ये कोचेज यूज में नहीं थे तो हमने निर्णय लिया कि उसमें करीब 50% कोचेज को हम श्रमिक स्पेशल की तरह भी यूज कर लें और 50% कोचेज को अभी भी हमने डिफरेंट जगहों पे रखा हुआ है कि जहाँ भी कोई इमरजेंसी आएगी तो यूज करेंगे। और ये कोविड कोच सेंटर, ये भी जो श्रमिक स्पेशल में यूज हो रहे हैं, एक बार ये भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको वापस ला के इसको कोचिंग कोविड केयर सेंटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये हमने करीब 5000 बेड्स, 17 हॉस्पिटल्स हमने पूरा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं। उसमें मुंबई का जगजीवन राम हॉस्पिटल है, कलकत्ता में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, लखनऊ में एक इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है। तो इस तरह से करीब 17 हॉस्पिटल रेलवे के हमने इंडिपेंडेंट कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है और 33 हॉस्पिटल जिसमें हम ब्लॉक्स को आइसोलेट कर सकते थे उसको एक कोविड केयर ब्लॉक की तरह कन्वर्ट किया है। ये हमारा रेलवे का प्रयास है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स चल रहे हैं कोविड केयर के लिए उसमें हम अपना योगदान दे पाएँ। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी करीब 10,500 बेड्स हमने अपने डिफरेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ भी हम उसको स्पेयर कर सकते थे, ये भी एक हमारा एफर्ट है रेलवे का कि हम इसके लिए जो राज्य सरकारों के एफर्ट्स हैं उसमें हम इसको सप्लीमेंट कर पाएँ। एसेंशियल कमोडिटीज 24 घंटे हम लोग इस पर मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे फूड ग्रेन है, सॉल्ट है, ऑयल है, इस सबको मूवमेंट में हमने 24 घंटे काम किया। कोल, फर्टिलाइजर जो कि पावर प्लांट के लिए कोल की ज़रूरत थी उसको मूव किया। फूड ग्रेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम नॉर्मल फूड ग्रेन मूव करते थे, जैसे कि अगर हमने पिछले साल इसी पीरियड में जो मूव किया था उससे करीब करीब दुगना फूड ग्रेन हमने इस समय मूव किया। उसके बाद से हमने एक ये नई पार्सल सर्विस शुरू करी और इसका मकसद यही था कि जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मेडिसिन हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, मिल्क, इन सबको हम एक टाइम टेबल पार्सल ट्रेन की तरह मूव कर पाएँ। तो ये एक रेलवे ने पहल की और ये कोशिश करी कि हम जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको वहाँ पहुँचा पाएँ। हमने जो कोविड के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, पीपी की शुरू में देश में बहुत दिक्कत थी, सो भारतीय रेल ने एक ये पहल की और हमने अपने वर्कशॉप में खुद पीपी तैयार करना शुरू किया। 1,20,000 पीपी हम बना चुके हैं, करीब 4,000 डेली हम बना पा रहे हैं। मास्क हमने बहुत बड़े स्केल पे बनाया, सैनिटाइजर्स बनाए, हैंड सैनिटाइजर बनाए जिसको कि हमने यूज किया अपने भारतीय रेल के कर्मचारियों के लिए और भारतीय रेल परिसर के आसपास जो ज़रूरतमंद लोग रह रहे हैं उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। जो भारतीय रेल परिसर के आसपास और भारतीय रेलवे स्टेशन के आसपास काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको खाने की ज़रूरत थी, वो हमने पिछले एक महीने में एक तरह से फ्री मील की व्यवस्था करी और 4.7 मिलियन फ्री मील्स अभी तक हमने दी। तो ये एक भारतीय रेल का प्रयास था कि कोविड केयर के लिए उसमें अपना भारतीय रेल योगदान दे। और अंत में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रवासी श्रमिक के लिए जो हम ट्रेन चला रहे हैं वो राज्य सरकारों से समन्वय करके और जो उनकी रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से हम ट्रेनों को शेड्यूल कर रहे हैं।
अगले 10 दिनों के लिए हमने ऑलरेडी ट्रेनें शेड्यूल कर रखी हैं और उसके बाद भी अगर कोई भी ट्रेन की जरूरत पड़ती है तो भारतीय रेल उसके लिए भी ट्रेन शेड्यूल करेगी। और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जरूरत पड़े और भारतीय रेल के किसी भी स्टेशन पे अगर उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन की जरूरत हो तो हम कम से कम समय पे उस स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमने अपने सारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे इमरजेंसी रेक्स तैयार करके रखे हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पहले एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ चार्जिंग ऑफ फेयर फ्रॉम द माइग्रेंट लेबर? देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट लेबर पीपल आर बीइंग आस्क्ड फॉर द फेयर, बट व्हाट इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ सर? यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन। जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन भारतीय रेल चला रही है और इस तरह के स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए जो लागत आती है उसका 85% भारत सरकार वहन कर रही है और केवल 15% लागत राज्य सरकारें किराए के रूप में वहन कर रही हैं। इस संबंध में भारतीय रेल और राज्य सरकारों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो गया है। शुरू के कुछ दिनों में कुछ मामलों में राज्य सरकारों ने यात्रियों के गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के बाद उनका किराया रीइंबर्स किया था और कुछ मामलों में स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी कुछ लोगों का किराया वहन किया था। 56 अमित माइक यूज करें। अमित माइक यूज करें। पालघर में और कुछ जगहों पे और जैसे अभी रोहिणी में भी देखा गया रजिस्ट्रेशन के नाम पर श्रमिक ट्रेन के लिए भीड़ हो गई, तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे के बीच में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है कि कुछ जगह इस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रेन कहीं की जाती है, लोग रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं की जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, श्रमिक परेशान हो रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोकल अथॉरिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और जो भारतीय रेल के अधिकारी हैं, दोनों के नोडल ऑफिसर्स हमेशा 24 घंटे एक दूसरे के टच में बने रहते हैं और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है राज्य सरकारों की तरफ से उस हिसाब से ट्रेनें शेड्यूल की जा रही हैं और उस हिसाब से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है। और एक तरह से देखा जाए तो आगे के एक हफ्ते का जो ट्रेन शेड्यूल है वो वर्कआउट करके रखते हैं और उस हिसाब से यात्री आके ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और जो हमने स्टेशन पे देखा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसेंजर्स आ रहे हैं और वो ट्रेनों में बैठ के जा रहे हैं। 116 सर, निशांत ANI से। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, रेलवे ने काफ़ी कुछ व्यवस्था भी की है, लेकिन अब जैसे जैसे ऑपरेशन शुरू हो रहा है RAC को आपने अलाउ कर दिया, तो इसमें फिर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मैनेज हो पाएगा जब RAC में लोग जाएंगे? और दूसरा कि कब तक पूरा ऑपरेशन रेलवे का शुरू हो सकता है? सर, इसी में थोड़ा मैं सप्लीमेंट कर लूँ, ऑनलाइन सिमिलर क्वेश्चन है। प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू यूज 200 रेगुलर ट्रेन फ्रॉम 1st of June, बट इज द प्लान टू इंट्रोड्यूस मोर रेगुलर ट्रेन फॉर द सोशल डिस्टेंसिंग पर्पस? सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि हमने अनरिजर्व्ड जर्नी बिल्कुल बंद कर दी है। जो लोग भी जाएंगे वो रिजर्व्ड एकोमोडेशन में जाएंगे और जिस ट्रेन में जितनी बर्थ होगी उतने ही लोग जाएंगे, कोई भी अनरिजर्व्ड सीट नहीं होगी, ये आपने देखा होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक RAC का सवाल है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन का सवाल है, इसमें हमने एन रूट टिकट बिल्कुल मना किया हुआ है। वो इसलिए मना किया है कि जो भी यात्री आएंगे वो स्टेशन पे एक हाइजीन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आएंगे और हमने एन रूट किसी को भी परमिट नहीं किया है और इसलिए पूरी संभावना इसमें रहती है कि जो RAC में जो सीट दी जाती हैं वो उनका कन्फर्म हो जाएगा। नंबर 9 Sir, this is an unprecedented time, so and goods loading is also down and passenger service is also not fully operational. Can we estimate a rough estimate how much loss we are making or what is the estimated loss till now? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय पैसेंजर सर्विसेज बंद थी, अभी हमने शुरू किया है और जो फ्रेट मूवमेंट है वो भी जो इस समय कठिन परिस्थिति चल रही है और जैसा कि हमने कहा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ स्पेशली फूड ग्रेन हमारा डबल हो गया है, कोल फर्टिलाइज़र जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चल रही हैं, बट
मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस दौरान अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो जो हमारा फ्रेट ऑपरेशन है, फ्रेट की लोडिंग है, वो 100% है, और पैसेंजर की लोडिंग पिछले, पैसेंजर की अर्निंग पिछले महीनों में नहीं हुई है, अब धीरे धीरे पिकअप हो रही है। सो एक ये कठिन स्थिति है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए कठिन स्थिति है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो अपने पैसेंजर सर्विसेज हैं उसको रिस्टोर करें, धीरे धीरे हम नॉर्मलसी की तरफ जाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये जो 200 ट्रेनें अनाउंस की हैं, वो एक हमने पैटर्न देख के पूरा एनालाइज करके अनाउंस की, जहाँ पे हमको लगा कि ज़्यादा यात्री जर्नी करना चाहेंगे। और उसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो इन ट्रेनों में रिजर्वेशंस हो रही हैं उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हम जब बात कर रहे हैं इस समय, तो करीब 17 लाख पैसेंजर अपने टिकट बुक कर चुके हैं, और ओवरऑल जो हमारी ट्रेनों में बर्थ की क्षमता है उसमें से केवल 30% बर्थ बुक हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिसमें 100% या 90 से ऊपर बुकिंग हो गई है। तो हम उसका पूरा आकलन कर रहे हैं, पूरा डेली बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे, और जहाँ भी हमको लगेगा वहाँ पे हम और धीरे धीरे ट्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे। सर, नो, आई थिंक दिस टाइम प्लीज जस्ट यू सी, लॉस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज द फैसिलिटी एंड द पीपल रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। सो दोज डिटेल्स विल कम इन ड्यू कोर्स, वी विल गेट दोज डिटेल्स आल्सो, because this is a continuous process actually, so let's wait for some time. Sir, you just gave the information about next 10 days also we have a schedule about Shramik special trains, but the question here is that how long trains will continue for the migrant laborers? जो प्रवासी श्रमिक भाई और बहन हैं उनको मैं ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय रेल कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगी। और जैसे मैंने कहा कि आज तक हमने 35 लाख जो सूचीबद्ध हमारे यात्री थे जिन्होंने इंटर स्टेट ट्रेवल किया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, और विद इन स्टेट भी करीब 10 लाख यात्री ट्रेवल कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में हमने 10 दिन के लिए एक रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर रखी है, जैसा मैंने बताया 2600 ट्रेनों का, करीब 36 लाख यात्रियों का एक आंकड़ा हमने वर्कआउट किया हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट से हमको रिक्वायरमेंट मिली है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा सबको आपके माध्यम से कि ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक इसकी ज़रूरत है। 59 सर, अनुमित्र, आई एम फ्रॉम आनंद बाजार पत्रिका। Sir, yesterday the Chief Secretary of West Bengal has written a letter to you, stated that the post-cyclone period they are not able to receive any train till 26 May. What is your take on that? क्योंकि पिछले काफी दिनों से एलिगेशन चल रहा है दोनों स्टेट और स्टेट। ये देखिए, साइक्लोन एक आई, एक ये नेचुरल कैलामिटी है, एक ये आपदा है, और चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल ने मुझे पत्र लिखा है कि साइक्लोन की वजह से कुछ रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है, और बहुत जल्दी ही वो हमको बताएंगे कि कब से वो वेस्ट बंगाल के लिए ट्रेनें लेना चाहेंगे। हमारी पूरी तैयारी है, और जब भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी क्लियरेंस देगी हम तुरंत वेस्ट बंगाल ट्रेन भेजेंगे। 63 सर, मैं मनीष हूँ, TV9 भारतवर्ष से। मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोगों का अपना एक असेसमेंट है कि कितने दिन में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर तक जा पाएंगे, क्योंकि आपने बताया कि 35 लाख जा चुके हैं, नेक्स्ट 10 डेज में 35 लाख और लक्ष्य है आपका, लेकिन मैम बता रही थी MHA की तरफ से कि करीब 4 करोड़ प्रवासी लोग तो पिछली जनगणना के मुताबिक ही दूसरी जगह रहते हैं, तो मोटे तौर पर अगर आधे भी लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहें तो करीब 2 करोड़ लोग होते हैं, कितने दिन में इनको आप उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाने का आपका लक्ष्य है? और सर, एक सवाल चूँकि क्लैरिफिकेशन था कि वेटिंग टिकट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, आपके यहाँ एक वेटिंग टिकट की लिमिट है कि इतनी ही वेटिंग टिकट दी जाएगी, लेकिन देखने में आ रहा है कि उससे कई कई गुना ज़्यादा वेटिंग टिकट दी जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी मतलब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस क्राइसिस में भी वेटिंग टिकट के बहाने रेलवे कमाई करने के लिए सोच रही है? बिल्कुल, रेलवे कमाई करने की नहीं सोच रही है वेटिंग लिस्ट के बहाने, हमारा पूरा प्रयास है। वेटिंग लिस्ट हमने इसलिए दिया
कि जब हमने शुरू में कुछ एक्सपीरियंस किया कि जिसमें ट्रेनें रिजर्व किया लोगों ने और चलने के कुछ देर पहले रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, तो ये हमने सोचा कि अगर ये वेटिंग लिस्ट रहेगी तो जो यात्री जाना चाहते हैं उनको ये सीट मिल जाएगी। तो बिल्कुल हमने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये वेटिंग लिस्ट की बात की है। जहाँ तक आपका सवाल प्रवासी श्रमिक भाइयों के लिए है, तो वो मैंने आपको बताया कि अगले 10 दिनों में जो हमें रिक्वायरमेंट वर्कआउट की है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो इस समय सिस्टम है कि स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो रिक्वेस्ट रजिस्टर कर रही हैं, और जो भी उनके पास रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड है वो उसके हिसाब से हमने ट्रेनें प्लान कर रखी हैं, और प्रतिदिन उनके यहाँ नए नए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, और एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस डेली बेसिस पे भारतीय रेल सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रही है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती जाएगी भारतीय रेल ट्रेनों की व्यवस्था करेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा, फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब तक जरूरत रहेगी श्रमिक भाइयों की गंतव्य स्थान पर पहुँचाने के लिए, तब तक भारतीय रेल राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करके और कम से कम समय में उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगी। नंबर 11 सर, मेरा सवाल है कि आपने जो श्रमिक स्पेशल की जो डिटेल दिया, ज़्यादातर ट्रेन गुजरात से निकली है और ज़्यादा ट्रेन यूपी और बिहार में गया है। अगर हम देखें कुछ ही पिछले कुछ दिन में बिहार में कोविड की संख्या सबसे ज़्यादा घटा है, वही शायद एक सबसे बड़ा फियर था कि जितने बाहर जाएंगे ये माइग्रेंट जिनका बढ़ने का चांस ज़्यादा है वो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा और जहाँ जाएंगे वहाँ खराब हाल होगा। आपको क्या लगता है कि श्रमिक स्पेशल का इसमें कितना बड़ा रोल है? और छोटी सी और एक सवाल है सर, अभी रेलवे में IRMS नहीं लगा है, इसके बावजूद भी रेलवे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या आपको लगता है अगर इंटीग्रेशन हो जाता IRMS आ जाता क्या आप लोग और अच्छा काम कर सकते थे? पहला आपका जो प्रश्न है पहले उसके बारे में बताता हूँ। एक ये पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी कंसल्ट किया गया है, और एक ये पूरा प्रोटोकॉल है जिसमें कि यात्रा शुरू करने से पहले उनकी जांच होती है, और जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं वही लोग ट्रेवल करते हैं, उनको फेस मास्क लगा के जाना है, और जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच रहे हैं तो लोकल कंडीशंस के हिसाब से जो प्रदेश की सरकारें हैं वो अपना उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, वो उनकी जांच कर रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो रही है उनको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज रहे हैं। तो एक ये जो पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है, मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस की वजह से ये जो जर्नी हो रही है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा आपने पूछा सर्विस के बारे में, वो इस समय एक बड़ी कठिन परिस्थिति चल रही है। भारतीय रेल हमेशा से जब भी कोई तकलीफ़ आती है, जब भी कोई समस्या आती है तो और भी अच्छा परफॉर्म करती है, ये हमेशा भारतीय रेल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। एक ये भारतीय रेल की जो वर्क जो कैपेसिटी है उसमें जब भी कोई संकट आता है, जैसे हमारे यहाँ कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो और कुछ भी आपदा आ जाए, तो उसमें भारतीय रेल की क्षमता और बढ़ जाती है। सो वही इस कोविड के समय में देखने को मिल रहा है कि मुझे जो भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने दृढ़ निश्चय करके और पूरे मन लगा के इस कोविड के समय में काम किया है। 99 सर, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त की जो स्थिति है, खास तौर पे माना जा रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस की स्थिति है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो स्पेशल ट्रेन आपने चलाया उसका फेयर इक्विवेलेंट टू एयर फेयर के है, और जो बाकी की ट्रेनें आप चलाने जा रहे हैं उसमें कई तरह के कंसेशन खत्म कर दिए गए, जिस पर सवाल उठ रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस वक्त की स्थिति ऐसी थी जब आपको लोगों को मदद करनी थी, और सरकार कई रास्तों से कर भी रही है बट रेलवे नहीं कर पा रही है? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने नॉर्मल फेयर रखा है, कोई भी फेयर नहीं बढ़ाया गया है। जो नॉर्मल लॉकडाउन से पहले जो फेयर था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फेयर है। जहाँ तक कंसेशन की बात है, जो लॉकडाउन से पहले कंसेशन था बिल्कुल वही कंसेशन रखा गया है। लॉकडाउन से पहले कुछ कंसेशन इसलिए ख़त्म किए गए थे स्पेशली सीनियर सिटीजन के, हम ये चाहते हैं कि जो एसेंशियल ट्रेवल हो वही लोग करें। एक ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में लॉकडाउन से पहले जो निर्णय लिया गया था बस उसी को कंटिन्यू किया है। और इस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इससे पहले ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड
सुनते हैं दोबारा। डाइवर्ट किया दूसरे रूट से और उसकी पूरी टाइमिंग देखते हुए कि अगर इसी रूट पे हम सारी ट्रेनें चलाते रहें तो कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच पाएगी, उसके बदले में ये एक अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा कि कुछ ट्रेनों को हम ऐसे रूट पे डालें जहाँ पे कि ट्रेनें कम हैं। और ये प्रोटोकॉल हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम नॉर्मल टाइम में भी इसको फॉलो करते हैं कि जब भी किसी रूट में कुछ ज़्यादा कंजेशन हो जाए तो हम उसको दूसरे रूट से ले जाते हैं। तो एक ये बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में जो हम ट्रेन चला रहे हैं एक ही जगह यूपी और बिहार में, जैसे कि आपने कहा 80% ट्रेनें हैं वो एक ही रूट पे ट्रेनें जा रही हैं, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस समय हम हर स्टेशन पे, किसी भी स्टेशन पे यात्री को नहीं उतार सकते हैं, हम यात्री को उसी स्टेशन पे उतार सकते हैं जो पहले से आइडेंटिफाइड है और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पहले से स्क्रीनिंग करने के लिए और सारी व्यवस्था लेके हैं। हम कांस्टेंट स्टेट गवर्नमेंट के टच में हैं, स्टेशंस की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं और जो उनको फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है उसमें जो समय लग रहा है उसको कंटिन्यूअसली कम करते जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जिस तरह से भारतीय रेल ने कल जो एक ये समस्या आई थी कंजेशन का, उसको जिस तरह से वो टैकल किया वो उससे काफ़ी फायदा हुआ और सारी ट्रेनें अपनी गति से चल रही हैं। थोड़ा लंबा रूट जरूर है लेकिन पहले पहुँचेंगी अगर इसी रूट पर हम चलाते उसके कंपेरिजन में। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि ये श्रमिक ट्रेनें तब तक चलती रहेंगी जब तक इनकी आवश्यकता, यानी जब तक सारे श्रमिक भाई अपने घरों को नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये ट्रेनें लगातार उनके लिए खास तौर पर चलाई जाती रहेंगी। और कुछ बड़ी बातें एक ब्रेक के बाद।